यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे आए। सबका भगवान एक है, खुदा एक है, वाहेगुरु एक है। अपनों बड़े खुशी वाला महसूस करते हैं कि साढ़े महल्ले मसीद है और भी सारे धर्मों के भाईचारे के लोग अपने मुसलमान भरावों के लाल रोजा खिलाने वास्ते आए हैं। ये जो रोजे का है ना, ये हमारा मुसलमानों का पवित्र बहुत दिन होता है। ये महीना चल रहा है। ये इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारा दिन भूखा रहना पड़ता है और शाम के वक्त रोज़ा इफ्तारी करनी पड़ती है खाना खा के। इससे खाली खाने का साथ नहीं, बुराई के साथ भी छोड़ना पड़ता है साथ में। इसमें हमने जो इफ्तारी रखी है, इसमें सभी धर्म को बुलाया गया कि हाँ भी यहाँ पर हमारी एकता दिखाने के लिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे आए। सबका भगवान एक है, खुदा एक है, वाहेगुरु एक है, इसलिए सभी को यहाँ पर बुलाया गया इफ्तारी के लिए कि सभी यहाँ पर आके एक परमात्मा को याद करें और एक इंसानियत का संदेश मिले सबको। सर आज हमारा था 24वां रोज़ा हमारा, और उसके बाद हमने खजूर और उसके बाद फ्रूट्स जूस इसके साथ ही हमने रोज़ा इफ्तारी की है। इस रमजान के पवित्र महीने विच जो रोज़ा खोलने की बाद रस्म अदा की जाती है, वो असी अज अपने बड़े खुशी वाला महसूस करते हैं कि साढ़े महल्ले मसीद है और भी सारे धर्मों के भाईचारे के लोग अपने मुसलमान भरावों के लाल रोज़ा खिलाने वास्ते आए हैं। इतने एक आपसी प्यार का पैगाम लैके जा रहे हैं। रब एक है, वाहेगुरु नाम, अल्लाह सब उसके नाम ने। मनुखता सब तो बड़ा धर्म है और इस पवित्र दिन के मैं अपने महल वालों, महल निवासी वालों, अपने परिवार वालों इतने आया सारे बंद जी हाँ आखदा और रमजान दियाँ शुभकामनाएं दिना। वाहेगुरू अल्लाह आराम साढ़े तरस और आपसी भाईचारा बनाई रखे। मैं जी पहला तो इनायत खान जी जिहड़े इकरा सोसाइटी के प्रधान ने, ते साडे जैली खान जी जिन्हां ने मतलब एक नाभे दे विच एक जिहड़ी सांझीवालता दा संदेश दे रहे ने। ये मतलब नाभे दियां मस्जिदां दे विच जाके थां थां ते इफ्तारी करदे ने, रोजे खिला रहे ने। एक तो यह जिहड़ा मुस्लिम धर्म है उन्हों हरेक जिहड़ा नौजवान है उन्हों यह सीध दे रहे ने कि रोजे नाल जुड़न, धर्म नाल जुड़न, इस्लाम धर्म नाल जुड़न। जिहड़े इस्लाम धर्म के बंदे ने उन्हां नूं जिहड़े प्रेरित कर रहे हैं, तो मतलब एक जिहड़ा सांझीवालता का संदेश दे के इत्थे ये जिथे इफ्तारी करते हैं उत्थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाईचारे बुलाते हैं, तो स्पैशल उन्होंने सदे जाते हैं। तो मतलब मैं समझदा एक इन्हों का जिहड़ा नवेकला कदम है समाज के लिए, जिवें पिछे जे समाज का माहौल खराब चल रहा है, एक वधिया संदेश दे रहे हैं जिहदे च ये पता लगता है कि मतलब इत्थे पंजाब दे विच कोई फिरका प्रस्ती नहीं है, कोई इत्थे धर्म दे विच ते जात दे विच कोई छेड़छाड़ या कोई भी बदलाव या अलगावाद नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ इनायत जी जिथे भी होंगे ने, तो दास नूं भी बुलाते हैं, तो दास भी हुम हुमा के पहुँचता है क्योंकि एक सांझीवालता दे काम दे विच हरेक कोई शामिल होना चाहता है। तो मैं इन्हां दे पहलकदमी नूं ते इधर साढ़े जैली जी की पहलकदमी मैं सिर नवाना, तो मैं इदा ही इन्हों तो आस रखूँगा, तो मैं भी इन्हों ही मोडे मोडा जोड़ के चलता रहूँगा जी। हाँ जी, मैं हाजी हाकम अली ढिल्लों हीरा मैन लाभा साड़ी एक इकरा वेलफेयर एसोसीएशन बनाई है जी, जिन्हें पहली बारी सारिया मस्जिदों में अफतारी कराई है। हरेक मस्जिद में खाने का प्रबंध रखा गया, बकायदा अफतारी तो बाद बहुत वधिया पढ़ाई के काम वास्ते एक कमेटी लगी हुई है। अल्लाह ताला इन्हां नूं कामयाबी देवे। दूजे नंबर पर अज जो घमार वाली मस्जिद के रोज़ा अफतारी हुई है, ये सारा भाईचारा नाभे का सारे एम सी साहबान गोलू जी बबलू जी सानी जी सारे पहुँचे हुए हैं, तो बहुत मुस्लिम भाईचारे उन्होंने हौसला बजाई दिती है। बाकी असं भी हर टाइम इन्हों के नाल खड़े हैं, अद्धी रात हाक मारन असं तैयार पर तैयार खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक रोज़ा इफ्तारी सारे भाईचारक सांझ नूं दर्शाउंदी है, साडे पंजाब दे विच एकता अते सहनशीलता लोकां दे विच बनी रहे। जो साडा दीन है ये सानूं ये सिखाउंदा कि जिन्ने साडे हिंदू भाईचारा जां मुस्लिम भाईचारा जां सिख भाईचारा सारे एक रहन, एक दूए दे दुख सुख दे विच सांझी दे वाल होण।
अज जी इतने नाभे दे विच रोजे की रस्म खोलन वेले सानू सिख भाईचारा साढ़े हिंदू भाईचारा और होर साढ़े जाति धर्म के भी असी सारे इत्थे पहुँचे हाँ एक इकट्ठ यह चीज़ नूं असी कीता भी राह एक ही है धर्म के नाम जां लिपि अड अड है लेकिन सारा ज्ञान एक ही है जिहदा सारा अज असी ये सबूत दिता भी ये सारे इंसान उस रब दे ने उस अल्लाह दे ने उस वाहगुरु दे ने सारे एक ही ने जी।